देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज। दिनांक 24/12/2023 को देर रात्रि में लुटुआ थाना को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 24/12/2023 की रात में लुटुआ थाना अंतर्गत अश्राइन गांव में बन रहे पुल से नक्सलियों के द्वारा पुल का निर्माण करने वाली कंपनी के एक मुंशी को जंगल की तरफ पकड़ कर ले जाया गया है। इस सूचना के प्राप्त होने के पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए इस घटना के सत्यापन एवं अतिशीघ्र कार्रवाई करने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक गया द्वारा अपने मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक गया के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक अभियान गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इमामगंज गया एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों तथा केंद्रीय बलों को शामिल करते हुए अपहृत की बरामदगी एवं अतिशीघ्र कार्रवाई करने हेतु टीम का गठन किया गया। SDPO इमामगंज के नेतृत्व में पुलिस तथा केंद्रीय बलों के द्वारा दिनांक 24/12/2023 की देर रात से ही अभियान प्रारंभ किया गया। इस घटना के संबंध में लुटुआ थाना में कांड दर्ज कर अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। गठित टीम के द्वारा असूचना का संकलन कर छापामारी आदि की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 25/12/2023 को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा घटना स्थल तथा आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया तथा अग्रसर कार्रवाई हेतु गठित टीम के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा सूक्ष्मता से अनुसरण करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से वेदराज की खास रिपोर्ट। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।